गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साहू। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 1984 में फर्स्ट टाइम ओपन नंबर हुआ 140। ये नंबर सेकंड टाइम 1996 में ओपन हुआ दोबारा इसी पोजीशन पे। और थर्ड टाइम दोस्तों, ये थर्ड टाइम ये कौन से ईयर में, आपको बता देता हूँ, 2009 में दोस्तों। तो शुरू करते हैं अभी। देखें दोस्तों, जब ये ओपन हुआ तो इससे आफ्टर 9 ईयर्स 293, यानी कि ये नंबर, ये 9293, ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके पीछे जो नंबर बाकी रिजल्ट आए, इसके ऊपर नीचे, तो देखें दोस्तों, ये इससे एक ड्रॉप ईयर पहले टोटल यहाँ पे 4 का था, तो इसने ये टोटल 4 का ले लिया। दोबारा दोस्तों, जब इसने ये टोटल लिया 9 का, तो यहाँ पे भी उसने ये 207 दोबारा खोला, जब ये आफ्टर 9 ईयर्स के बाद, तो यहाँ पे उसने फिर टोटल ये ले लिया। ठीक है दोस्तों, देखें इसमें एक और बात है दोस्तों, कि ये जो टोटल था ना 4 का, ये यहाँ भी एक 4 का टोटल था, तो ये अभी ये यहाँ से ले रहा है या यहाँ से, ये कंफर्म नहीं है, ये अभी हमने गैस करना है। अच्छा, ये टोटल 4 का, या तो ये थर्ड ईयर से लिया या सेकंड ईयर से, ये थर्ड ईयर से या सेकंड ईयर से, क्योंकि यहाँ पे 9 का टोटल था दोस्तों, देखें, और ये 9 का टोटल भी यहाँ पे आ गया है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये नेक्स्ट ईयर में टोटल रिपीट कर रहा है या कि ये टोटल 9 का यहाँ पे आ रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। तो देखें दोस्तों, इस बार यहाँ पे टोटल है 5 का। अगर तो ये यहाँ से टोटल रिपीट होगा, तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए 5। और अगर दोस्तों, यानी कि ये अगर ये टोटल यहाँ पे आए, तो टोटल फिर 5 का है। अगर वो ये टोटल यहाँ से ले रहा है, तो फिर यहाँ पे दोस्तों टोटल 8 का है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ये टोटल उसने लिया 4 से 4, यहाँ से लिया ये यहाँ से, तो उससे पहले उसने एक सिस्टम खेला है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 और ये 2, ये ओपन टू ओपन पेयर में 2 3 का पेयर, ये 3 2 यहाँ पे गेम में आ गए। और ये 5 3 6 से भी उसने ये मिडल का डिजिट 3 लिया है, तो इनके 3 2 का डिजिट निकला, तो ये रिजल्ट आया 293। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये सेकंड टाइम देखें क्या किया उसने। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गया, ये 2 भी, ये 3, ये 2 और ये 2 और ये 3, तो ये 2 और 3 का पेयर बना, तो ये रिजल्ट आया 293। टोटल अभी यहाँ से लिया, यहाँ से ये कंफर्म नहीं है। फिर देखें दोस्तों, ये 7 और ये 7 और ये 0, जैसे यहाँ पे 3 2 2 था, तो उसने क्या किया कि यहाँ से उसने 3 2 2, यानी कि 2 3 का पेयर था और यहाँ पे 3 था, तो उसने वो सेम रिजल्ट ले लिया। अभी देखो, देखें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों उसने क्या किया, अभी यहाँ से भी एक डिजिट था दोस्तों, तो ये 2077, तो दोस्तों कंप्लीट नंबर इसमें से आ गया। अभी जो थर्ड सिस्टम चल रहा है, उसमें फिर दोस्तों ये अभी क्या होना चाहिए कि अभी जो नॉन मिस चल रहा है दोस्तों, ये 20 और 438 में से भी एक डिजिट आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो, यानी कि टास्क क्या है, 211 से डिजिट आना चाहिए, 069 से भी डिजिट आना चाहिए,
और 438 से भी। तो अभी दोस्तों इस हिसाब से आप नंबर बनाएंगे, और ये 350 से, सॉरी 1 2 3 4। देखें दोस्तों ये जो चार सेट हैं, ये दो और ये दो, ये दो 1 2 3। मैं भी राउंड कर दूंगा, कलर तो सब पे लग गया। ये देखें ये 3 0 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 8 5, और ये 5 3 6। इसमें से टास था तो इसने ये 3 2 2 3, तो इसने यहाँ पे पेयर लिया। नेक्स्ट में देखें 7 1 4 से टच था, 7 8 4 से टच था, 0 6 6 से टच था, और 2 6 1 से। तो यहाँ पे उसने कंप्लीट सेट ले लिया दोस्तों 2 0 7 का। यानी कि दोस्तों अब ये थर्ड टाइम है, तो यहाँ से उसको क्या करना चाहिए कि 2 1 से एक डिजिट आना चाहिए, 4 3 8 से डिजिट आना चाहिए, और 0 6 9 से डिजिट आना चाहिए, और 3 5 0 से। और यहाँ के हिसाब से तो दोस्तों टोटल टोटल 5 और 8 टास्क दोस्तों 1 2 से डिजिट, 3 4 8 से डिजिट, 0 6 9 से डिजिट, और 3 5 0 से। ठीक है दोस्तों 1 2 3 4, ये चार टास्क में से पेयर या पूरा नंबर आया, और 5 8 से टोटल आई इस सिस्टम से दोस्तों। अच्छा दोस्तों अभी क्योंकि हमारा 8 का टोटल दोस्तों बहुत जगहों से निकल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग टोटल है, तो देखते हैं अभी दोस्तों। अच्छा अभी आपको मैं टेबल चार्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। ये H6, ये H9, और ये H दोस्तों 4 6 9 4। तो दोस्तों अब ये एच लगा 2015 में, तो ये 6 का, तो ये 9 4 और 3 भी क्या बना, 9 प्लस 3 प्लस 4 6। उसके बाद दोस्तों ये जब 9 लगा तो ये 0 4 और 5 के साथ क्या बना, 9 6 और ये 9। तो अभी क्या है यहाँ पे दोस्तों 4, तो 4 को पूरा करने के लिए टोटल क्या लगेगा, यहाँ से भी टोटल दोस्तों 8 का। तो ठीक है ये 6, तो ये 3 टोटल दोनों, और मिडल का डिजिट ये भी 6, ये 9, तो ये तीनों भी 9, ये 4, तो ये तीनों भी 4 होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं एक और सिस्टम से इसको कंफर्म कर देता हूँ, ये मिडल का डिजिट और ये डिजिट और टोटल क्या बना, 4। तो देखें दोस्तों नेक्स्ट ईयर में टोटल क्या आ गया, 4 का। ठीक है अभी दोस्तों हम इनको प्लस कर लेंगे, तो 4 प्लस 1 सेम इसी तरह जैसे 4 प्लस 0 किया था, अभी 4 प्लस 1 तो क्या बना दोस्तों, 5। तो ये देखें दोस्तों ये 5 का टोटल ही आ गया। अभी हम 5 प्लस 3 करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, 8। तो दोस्तों इस हिसाब से भी यहाँ पे टोटल 8। अभी आप ख़ुद बताएं दोस्तों गेम आएगी नहीं आएगी, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरफ से भी मैं गेम बना रहा हूँ मेरे पास टोटल 8 8 8 8 8। हत्ता कि वहाँ पे जो कन्फ्यूज टास्क था उसमें भी 5 8 का आ रहा है, 8 8 एक तरफ से आ ही रहा है। तो देखें अभी वैसे जो मेरे मैंने जो फाइनल मेरे टोटल हैं बेस्ट जो है वो 8 का है, उसके बाद नेक्स्ट में 2 3 5 9। अभी तक तो जो मेरे जो टोटल मैंने किए हैं इसमें स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग टोटल 8 का है, उसके बाद 2 3 5 9।
ये मेरे टोटल निकले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।